देखिए दोस्तों, आज हमारे पास गोदरेज का फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है और इस वॉशिंग मशीन में क्या कंप्लेन है इसे हम चेक करेंगे। तो चेक करने से पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर आपको किसी चीज़ का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा आपको वो वीडियो जल्द से जल्द देने का। चलिए हम आपको दिखाते हैं, इसके फंक्शन के बारे में कुछ बात करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं वाटर लेवल हमारा ये लिखा हुआ है। वाटर लेवल ये सबसे पहला हाई, उसके बाद मीडियम, उसके बाद लो, उसके बाद मिनिमम। तो आपको जितना वाटर लेवल रखना है वो आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। और ये हमारा देखिए स्ट्रांग, ऑटो, रिंस और ये स्पिन, ये मोड हमारा कपड़ा धोने के लिए, खंगारने के लिए और सुखाने के लिए है। ठीक है, बस ये दो बटन है, ये एक पानी को कितना रखना है उसके लिए, दूसरा कपड़ा सेलेक्ट करने के लिए। ये बटन जो देख रहे हैं पावर लिखा हुआ है, ये हमारा पावर का है और उसके नीचे ये स्टार्ट और पुश का है। ठीक है, तो इससे चालू करके हम आपको पूरा दिखाएंगे किस तरीके से हम चालू करते हैं, और चालू करने के बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, वो चेक करेंगे, प्रॉब्लम कैसे दूर करना है वो भी हम आपको बताएंगे। कस्टमर का कंप्लेंट इसमें यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा साउंड आता है, यानी ये जब चलता है मशीन बहुत ज़्यादा साउंड आता है। तो चलिए हम पहले मशीन को ऑन करते हैं, पावर यहाँ से ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ से नल हमारा ओपन है, जी हाँ, नल हमारा यहाँ से ओपन है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले पावर बटन ऑन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा पावर बटन है, सबसे पहले हम यहाँ पे पावर बटन को ऑन करेंगे। ठीक है, इसे हम पहले ऑन करते हैं, ये हमारा ऑन हो गया। अब हम क्या करेंगे, वाटर लेवल को सिलेक्ट करेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, यहाँ पे ग्रीन कलर का लाइट जल रहा है, बहुत ही हल्का दिखाई दे रहा है वीडियो में। आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा लाइट हमारा ब्लिंकिंग कर रहा है। तो अभी हमारा मीडियम में लाइट हमारा ब्लिंकिंग कर रहा है, तो इससे हम और नीचे लेके आएंगे, यानी मिनिमम लेके आएंगे। ये देखिए हमारा मिनिमम में ये आ गया। इस तरीके से हम वाटर लेवल को सिलेक्ट करेंगे, मिनिमम, हाई, मीडियम, लो। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, वॉश साइकिल को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए अभी हाई में गया हुआ हमारा, फिर ये देखिए मीडियम में आया, फिर ये लो में आया, ये मिनिमम में आया। इस तरीके से देख रहे हैं आप, लाइट हमारा अप डाउन हो रहा है। तो मिनिमम में करने के बाद हमारा स्ट्रॉन्ग, ऑटो, रिंस और स्पिन, ये देखिए बटन हमारा काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर लाइट ब्लिंकिंग नहीं कर रहा। एक प्रॉब्लम हमें तो यहाँ पर दिखाई दे दिया कि इनका लाइट जो है ब्लिंकिंग नहीं कर रहा, तो यहाँ पर लाइट ख़राब हो गया। तो हमें क्या करना है, तो अपने अंदाज से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर हम मिनिमम में सिलेक्ट करेंगे तो हमारा ये स्पिन में सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप वॉश साइकिल को तो पहले मैंने बटन दबा करके स्पिन पे कर लिया, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, मिनिमम करेंगे। मिनिमम करने के बाद जब हम ऑन करेंगे ना तो क्या होगा, हमारा स्पिन चलेगा। ठीक है, मिनिमम कर दिया मैंने, मिनिमम करने के बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए स्टार्ट कर रहा मैंने, स्टार्ट कर लेने के बाद क्या हो रहा है, आप देखते हैं मशीन हमारा चालू हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पे हम देखेंगे चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखिए मशीन हमारा चालू हो गया है, अब आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, बहुत ही जूम करके हम ऊपर से आपको दिखा रहे हैं। आप देखें, हाँ ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि ये चल रहा है, लेकिन ये चल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे साउंड पैदा हो रहा है। जी हाँ, यहाँ पे साउंड बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। तो हमें देखना है यहाँ पे चेक करने के बाद कि आखिर ये साउंड जो आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है। देखिए टब तो घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे साउंड बहुत ही ज़्यादा मुझे आ रहा है। तो इस साउंड को हम चेक करेंगे आखिर ये साउंड कहाँ से आ रहा है। चलते हैं हम पीछे की ओर और आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा साउंड यहाँ से हमारा आ रहा है। आपको साउंड सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि साउंड को मैंने यहाँ पे बंद कर रखा है, इसलिए आपको यहाँ पे साउंड दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी साउंड आपको सुनाई नहीं दे रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करने के लिए क्या कर रहे हैं, बेल्ट को उतार करके यहाँ पे हम चेक करेंगे कि आखिर हमारा साउंड जो आ रहा है मोटर की वजह से आ रहा है या फिर इसका जो गेयरबॉक्स वगैरह ये अंदर में लगा हुआ है इससे हमारा साउंड आ रहा है। तो हम चालू करके देखते हैं कि आखिर साउंड कहाँ से हमारा आ रहा है। तो लाइन देख के पहले हम चालू करते हैं, चालू करके बाद आपको दिखाते हैं कि हमारा प्रॉब्लम आखिर है कहाँ पे। इसे गियर बॉक्स और गियर असेंबली वगैरह भी कहते हैं। ये देखिए मोटर हमारा चल रहा है बिल्कुल, मोटर में हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोटर बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, नॉर्मल कंडीशन में, जिस तरीके से मोटर हमारा चलना चाहिए बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में हमारा मोटर चल रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारा जो आवाज़ आ रहा है वो आवाज़ गियर असेंबली यानी ये गियर बॉक्स जो होता है
उसकी वजह से आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो गियर असेंबली या गियर बॉक्स जो भी आप बोलें, इस पूरे सेट को पूरा चेंज करना पड़ेगा। ये देख रहे हैं ना, इस सेट को पूरा हमें चेंज करना पड़ेगा। इसे अगर हम चेंज कर देंगे तो क्या होगा, जो हमारा साउंड आ रहा है स्पिन करने समय, वॉश करने समय, वो साउंड बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसी तरीके से आप भी प्रॉब्लम, आपको अगर इस तरह से मिले तो आप भी फेस कर सकते हैं। जब बेल्ट लगा के मैं चला रहा था तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा था, बेल्ट को जब उतार के चला